Very good afternoon to all the participants again after the lunch. I hope जो हमने सुबह डिस्कस किया था वो आप लोगों को कुछ कुछ याद होगा. पूरा नहीं, मैं एक बारी में एक्सपेक्ट करती कि आप लोगों को याद हो जाए, बट आई होप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर भी हुए होंगे और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि जो आप समझते थे वो ठीक है या गलत है. राइट. तो हम लोगों ने जहां पे छोड़ा था मैं वहीं से इसको टेकअप करूंगी. उससे पहले अगर आपके पिछले सेशन का कोई भी क्वेश्चन है तो हम 2 मिनट के लिए वो ले सकते हैं. यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स या जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो. प्लस आई नो इट इज अ पोस्ट लंच सेशन, आप लोग शायद खुद खा के मैनेज करके, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर तो हम लोग ये सब मैनेज कर. चलो अब चल, ये वाला ये मेरा है कि क्या? सो आप लोग फ्री हो गए होंगे. सभी लोग जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली ज्वाइन भी कर चुके हैं मीटिंग. मैं बस यही इसीलिए सबका वेट भी कर रही हूँ. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यस मैम, स्टोरी बोर्ड पे अब अभी हम आएंगे. अगर पिछला जो हमने डिस्कस किया है उससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग उसको भी ले सकते हैं. जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन. सो सुबह हमने बात की थी कि वीडियो रिसोर्सेज क्या है. किसी ने बोला एक बार रिकैप्चुलेट करवाइए. वीडियो रिसोर्सेज क्या है, एजुकेशन में उनकी क्या जरूरत है, हाउ कैसे उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या क्यों वीडियो रिसोर्सेस हमें चाहिए. एंड द थर्ड थिंग इज स्कोप, कि उसको कौन कौन से सब्जेक्ट में या कहाँ कहाँ पे उनको यूज किया जा सकता है. उसके बाद हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, कौन कौन से टाइप के वीडियोस हम बना सकते हैं. टाइप का पर्पस ये नहीं है कि आपको पहले से ये होना है कि मुझे यही बनाना है, पर हाँ एक फॉर्मेट लेने के बाद आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है कि किस तरह का काम आपको पूरे वीडियो के दौरान करना होगा. उसके बाद हमने स्क्रिप्ट राइटिंग का जो एक फॉर्मेट डिस्कस किया था उसमें किस तरह से हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वो हमने बात की थी. और यस एंड देन वी ऑल्सो स्टार्टेड, वी वर अबाउट टू स्टार्ट अबाउट स्टोरी बोर्डिंग. समबडी इज सेइंग प्लीज स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन विद द फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरी बोर्डिंग, अंडरस्टैंडिंग वॉट स्टोरी बोर्ड इज. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी वन स्टोरी बोर्ड, सो दैट जो ये क्वेश्चन था कि क्या होता है, तो वो हमारी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि स्टोरी बोर्ड क्या है. उसके बाद हम टूल पे जाएंगे जिसके थ्रू हम वीडियो को क्रिएट करेंगे. राइट. सो नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन फॉर योर कन्वीनियंस. सो हियर इज द स्टोरी बोर्ड. वॉट एग्जैक्टली इज स्टोरी बोर्ड? स्टोरी बोर्ड जैसे हमने स्क्रिप्ट में बात की थी, एक तरफ हमने ऑडियो रखा नरेशन और उसके रिलेटेड जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि कैसा म्यूजिक होगा, कैसे साउंड इफेक्ट्स होंगे, कौन बोल रहा है, वो सारी डिटेलिंग हमने ऑडियो में की. तो जो विजुअल पार्ट था उसको हमने यहाँ स्क्रिप्ट में टेक्स्ट फॉर्म में लिखा था कि फॉर एग्जाम्पल कैमरा एंगल क्या होगा, कितना वाइड हम दिखा रहे हैं, क्या एग्जैक्टली दिखा रहे हैं, कहाँ क्लोजअप में जाना है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. तो उसी को स्टोरी बोर्ड में लाना होता है. जैसे कि उसको हम विजुअलाइज करेंगे कि मान लीजिए हमने एक फॉर एग्जाम्पल फ्लावर के बारे में ही हम बात कर रहे थे, तो मैं उसी को लेती हूँ. तो फ्लावर का पहले हम एक वाइड शॉट लेंगे जिसमें पूरा फ्लावर, उस वो प्लांट होगा जिसपे फ्लावर्स हैं. फिर हम उस फ्लावर का इंडिविजुअल एक फोटो लेंगे जिसको हम मिड शॉट कहते हैं. एंड देन उसके बाद हम क्लोजअप ऑफ फ्लावर लेंगे. ठीक है. तो अब मैंने अगर इसको एज अ स्टोरी बोर्ड बताना है तो मैं कैसे करूंगी कि उसको स्केचेस के थ्रू, सो उसको इलस्ट्रेट करते हैं, उसको विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे एक सीन आगे बढ़ेगा. ठीक है. उसको स्केचेस के थ्रू मैं बताऊंगी कि दिस इज
फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, उसपे 5-10 फ्लावर है और वो मैंने दिखाया. यू डोंट हैव टू बी अ मास्टर ऑफ ड्राइंग और एनीथिंग. यू कैन हैव सिंपल स्टिक फिगर्स ऑल्सो फॉर द इलेबोरेशन दैट वॉट ऑल काइंड यू वॉन्ट टू शो. इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जब उसके अंदर हमें ये समझ में आएगा इतना वाइड है, इतना क्लोजअप है, तो जो प्रोडक्शन जो शूट करने वाला है, अगर कैमरा पर्सन हमसे अलग है कोई पर्सन, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए जैसा आप चाहते हैं वैसा ही शूट करेगा, या जैसी उस स्टोरी की, उस स्क्रिप्ट की डिमांड है. क्योंकि केवल कैमरा एंगल से पर्पस बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सिटिंग हियर एंड द कैमरा एंगल इज अबव मी, दैट मीन्स आई एम स्मॉलर. समबडी इज ट्राइंग टू शो मी स्मॉलर देन अदर थिंग्स. इफ आई एम सिटिंग हियर एंड द कैमरा इज बिलो मी ऑन द फ्लोर एंड लुकिंग एट मी, दैट मीन्स आई एम वेरी पावरफुल. ओके, सो दिस वे कैमरा एंगल्स ऑल्सो मीन समथिंग. आपने देखा होगा जो डरावनी फिल्में होती है, तो हॉरर फिल्म्स होती है, उसके अंदर कैमरा क्या होता है, यहाँ पे रहता है पीछे, क्योंकि उसमें शक्ल नहीं दिखा रहे, वो सिर्फ टेंशन बिल्डअप कर रहे हैं, उसका म्यूजिक वैसा होगा. तो इस तरह से इस शॉट को कहते हैं ओएसएस, ओवर द शोल्डर शॉट. तो ये जो काम है ये हमारे स्क्रिप्ट में और हमारे स्टोरी बोर्ड में निकल के आना चाहिए. सो बेसिकली एक कोलैबोरेशन टीम के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो इससे एनहांस होता है. एलिमेंट्स क्या होते हैं एक स्टोरी बोर्ड में, हम क्या इमेजिन करें? सबसे पहले हम फ्रेम्स, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे बॉक्सेस बॉक्सेस में लोग दिख रहे होंगे एक साइड पे, या अभी के लिए हो सकता है सिर्फ मैं दिख रही हूँ डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग. जूम जब हम ऑन करते हैं बॉक्स 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 चेहरा दिख. सो इनको आप फ्रेम इमेजिन कीजिए, और उसके अंदर हर फ्रेम में आपको जो भी सीन बनाना है, शॉट बनाना है. सीन इज मेड अप ऑफ शॉट्स, शॉट इज द मिनिमम आइडेंटिटी हियर. तो आपने एक शॉट बनाया, वो लंबे सीन की तरह भी काम कर सकता है, या फिर हम डिफरेंट शॉट्स भी रख सकते हैं. देन सीक्वेंस, वो एक सीक्वेंस में ही होगा कि पहले एक सीन, एक शॉट, दूसरा शॉट, जो सीक्वेंस में आएगा वैसे ही हम उसे प्रेजेंट करेंगे. थर्ड इज कैमरा एंगल्स, हमने जो डिस्कस किया, और उसी के नीचे हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकती है, उनको हम नोट्स की फॉर्म में देखते हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेरी थॉरो विद योर स्क्रिप्ट एंड देन गो ऑन टू स्केचिंग द फ्रेम्स एंड ऑल्सो ट्राई टू रिव्यू एंड रिवाइज एंड मैच इट विद योर स्क्रिप्ट वंस यू आर डन विद द स्टोरी बोर्ड. नाउ आई एम शेयरिंग वन स्टोरी बोर्ड विथ यू. आई होप दैट विल बी, आई होप द स्क्रीन ऑफ अ स्टोरी हट इज विजिबल टू यू. एनी वन प्लीज कन्फर्म. डन. सो नाउ यू कैन सी दिस इज अ शॉर्ट, दिस इज अ वेरी वाइड शॉर्ट वेयर आई कैन सी अ बिल्डिंग एंड आई कैन ऑल्सो सी फ्यू ट्रीज, आई कैन ऑल्सो सी बर्ड्स फ्लाइंग. सो दैट मीन्स इट्स अ क्वाइट वाइड शॉर्ट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग शॉर्ट. कोई भी फिल्म या कोई भी वीडियो नॉर्मली एक वाइडर शॉर्ट से ही शुरू होता है, क्योंकि हम एस्टैब्लिश करते हैं कि हम हैं कहाँ, तभी हम उसकी बारीकियों को दिखा पाएंगे. और अगर आप इसको थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद या तो ये कोई घर है या ये कोई स्कूल है, क्योंकि बहुत चौड़ाई में है. राइट, घर थोड़ा सा कम चौड़ा होता है, मे बी इसका हाफ में हम दिखाते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, उसके आसपास हम और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं. तो अब आप देखेंगे इसमें स्क्रिप्ट का एक पोर्शन है ऑडियो वाला. वीडियो को हमने डायरेक्ट दिखा दिया. गांव में एक स्कूल में एक टीचर जो है वो अटेंडेंस ले रही है. सो दैट मींस इस शॉट के दौरान जो ऑडियो आएगी वो क्या होगी? सम नेम ए, प्रेजेंट मैम, बी, एब्सेंट मैम, सी, ओनली दिस ऑडियो इज कमिंग. राइट, नाउ द सेकेंड शॉट वी गेट इन टू द क्लासरूम. इट्स क्लियर नाउ दैट इट वॉज अ स्कूल. एंड वी कैन सी अ फुल क्लासरूम वेयर वी कैन सी द बैक ऑफ द चिल्ड्रन एंड अ टीचर सिटिंग, दो द फेस इज नॉट क्लियर हियर. सो सिमिलरली यू मे नॉट बी, सम ऑफ यू मे बी एबल टू ड्रॉ बेटर देन दिस, सम मे बी लाइक दिस, एंड देन सम मे नॉट बी एबल टू ड्रॉ लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल आई कैनॉट ड्रॉ लाइक दिस. सो वॉट आई विल डू,
I can create a stick figure. Okay, so simply a stick, this circle, two legs, that's it. A teacher is sitting. For a notebook, I can show something. Table ke liye, I can give a reference. This way, I can also establish that this is going on. This is a storyboard. Now, she has taken some name, Kusum, nobody replied. And then, ek bachcha answer kar raha hai, to us case mein hame kya karna hai, us bachche ka shot dikhana. Again, not very close, because hum yahan class ki baat kar rahe hain, yahan hum ek personal wo nahi kar rahe ki abhi uska kuch बहुत फोकस्ड चीज होने वाली है. तो हमने ऐसा शॉट लिया, एक मिड शॉट टाइप, जिसमें थोड़ा बहुत एम्बियंस भी आ रहा है और वो बच्चा आ रहा है. आप बच्चे को देखिए. अब यहाँ पे आप देखेंगे, समझ में आएगा कि स्टोरी बोर्ड का रोल क्या है. मैं बोलूंगी क्लास में स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट में, तो वो स्टूडेंट को यूनिफॉर्म बना के बैठा देगा, फॉर एग्जाम्पल द वीडियो वाला. बट अगर उसने स्टोरी बोर्ड देखा, उसने देखा अच्छा जो दो चोटी वाली है, स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो सूट है, ये क्लैरिटी हमारी स्टोरी बोर्ड से निकल के आ रही है, राइट? तो अब उसका अपना एक डायलॉग है, देन टीचर इज थिंकिंग एंड देन स्टार्ट्स हर वर्क. ओके, नाउ द सीन इज चेंजिंग अगेन. इट इज अ वाइड शॉट एस्टैब्लिशिंग हम कहाँ पे हैं. हम किसी फार्म्स के बीच में, बहुत सारे ट्रीज है और प्लांट्स है नीचे, और वही टीचर, एक हमने टीचर की इमेज को बनाया है, वो टीचर किसी से रास्ता पूछ रही है. एंड देन वो कहीं कहीं से निकल के एक पॉइंट पे पहुंचेगी जहां वो किसी से बात कर रही है, राइट? अब मैं इससे ज्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जाती, क्योंकि हमें जो एक स्टोरी बोर्ड की अंडरस्टैंडिंग थी वो काफी हद तक हमें हो गई कि स्टोरी बोर्ड क्या होता है. सो दिस वे यू कैन ऑल्सो क्रिएट स्टोरी बोर्ड इन सीक्वेंस, इन फ्रेम्स, putting it in, making it in frames and putting it in sequence. And you can have those lines, the narration with the character name, so that it is also clear in the storyboard what needs to be done. Okay, so now we are very much clear that how we can create a storyboard and what is the need of storyboard after seeing a particular storyboard, right? So here just a thought for you, transforming words into visual is the art. Okay, so we can go beyond, you know, the regular thinking to make it interesting and to make it more engaging. After once you are done with the script and storyboard, always try to review it. I am not getting into the details of review now, because I feel that I should get into the practical aspect for you. So, for video, how can we create videos? मैंने आपको एक आपको बताया था, स्क्रीन कास्टिंग एक मीडियम है जिसमें आपको कोई रिसोर्सेस नहीं चाहिए. आपने अपनी एक अच्छी पीपीटी बना ली, कुछ विजुअल्स आपने रख लिए, वो आप दिखा करके वीडियो बना सकते हैं. बट अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ फ्लावर का ही वीडियो बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें एक फ्लावर की फोटोग्राफ्स या उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. से फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफ्स, या तो हर स्टेप की आप फोटो ले लें, या फिर आप पूरे प्रोसेस को, जो हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखा रहे हैं एक एक को निकाल के, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, राइट? सो उस केस के लिए हम कैसे करेंगे? हमारे पास आजकल फोन में ही अच्छे क्वालिटी के कैमराज हैं, हम उसके थ्रू वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. या फिर अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कैमरा है, या इंस्टीट्यूशन आपको इस तरह की कोई सुविधा देता है, तो आप उन कैमरा के थ्रू भी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. उस वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको बेनिफिट ये होता है कि आपकी ऑडियो काफी क्लियर रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि आप उसमें ऑडियो का सिस्टम भी यूज करेंगे. फोन में आपको रेफरेंस ऑडियो मिल जाएगा, पर आपको हो सकता है कि ऑडियो बाद में अलग से रिकॉर्ड करना पड़े. ऑडियो का पूरा प्रोसेस अब आपने सीख लिया है ऑडेसिटी के सेशन में, कि कैसे रूम में बैठ के आप रिकॉर्ड करें कि अच्छी आवाज आएगी, कैसे उसको एडिट करें, ये सारी चीजें अब आप जानते हैं. अब नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट वाज स्क्रीन रिकॉर्डिंग. आपने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, आपके पास कुछ इमेजेस हैं, यू वॉन्ट टू एड सर्टेन इमेजेस, आपने वो भी कलेक्ट कर ली. नाउ वी कैन गो ऑन टू कंपाइलिंग ऑल दीज थिंग्स. The compilation process is what we call as editing of the video. Okay, so now we will
There are multiple softwares available in the market which we can use for editing. But here for this session, we need to limit ourselves because we should be on the same plane. You can say, ma'am, I am using Shortcut, I am using some other software. You can definitely use them, KineMaster and a number of softwares and apps, mobile apps are there. You can keep using them. Rather, if you are using any of them, it will be convenient for you to learn video editing here also, because every software is somewhat similar to each other. Some features are definitely similar because we are doing one particular type of task. Okay, but for here, we are going to use one particular software, which is open source, freely available to download and use, and is also available for multiple operating systems. For example, आपका सिस्टम अगर विंडोज है तो विंडोज के लिए अवेलेबल है. अगर आपका सिस्टम क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप क्रोम के लिए भी वो अवेलेबल है. आईओएस है तो आईओएस के लिए भी वो अवेलेबल है. इस तरह से वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपके पास ओपन शॉट वीडियो एडिटर अवेलेबल है. दिस मोर वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू मैंशन राइट हियर इज इट इज नॉट अ मोबाइल ऐप. It is only a desktop. That means it will work either on a laptop or on a desktop computer only. So, ये question हम लोग इसको बार बार फिर कोई confusion नहीं रहेगा हमारे लिए किसी तरह का. So, we are going to use OpenShot Video Editor. Now, how to get it? You can go to openshot.org. आपके सामने system पे ये लिखा हुआ है. ये www.openshot.org. यहां पे जब आप जाएंगे तो ये पेज आपके पास ओपन शॉट का खुलेगा. यहाँ पे डाउनलोड बटन है, आप उसको क्लिक करेंगे एंड देन योर दिस विंडोज. राइट नाउ इट इज विंडोज विजिबल, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो चेक फॉर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट हैज ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल. ओके, वंस यू हैव डाउनलोडेड इट, यू have to run that file in your computer to install it for workable format. For installing, you simply double click. जैसे हम कोई भी फाइल खोलते हैं, आप उसको डबल क्लिक करिए, वो खुल जाएगी. It will start installing. It will ask you for a language. कौन सी लैंग्वेज आप चूज करें and it will be done. Once it is done, it will be visible as this icon, this globe icon. Sorry. Yes. मैम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हिंदी स्पीकिंग है तो मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज बी इन हिंदी मोस्टली. अच्छा ठीक है, मैं काफी हद तक हिंदी ही बोल रही हूँ बट अगर कहीं पे छूटा हो तो सॉरी. तो आप लोग openshot.org पे जाएं, वहां पे विंडोज अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप विंडोज का जो वर्जन है वो डाउनलोड करें. अब आपका कंप्यूटर अगर बहुत पुराना है, सेटिंग में जाके आप देख सकते हैं कि वो 32 बिट है या 64 बिट, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर सकते हैं. मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ ऑनलाइन सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस. ये आपके सामने मैं खोल रही हूँ. जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी प्रोसेस से खोल रही हूँ, ओपन शॉट डॉट ओ आर जी. ये आपके सामने एक पेज आया, आप यहां से डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन सिंपली स्क्रोल डाउन ऑल्सो, यू कैन सी दिस डाउनलोड ऑप्शन हियर एंड इफ आई क्लिक हियर, दिस इज द वन विच वॉज ओपन ऑन माई सिस्टम. दिस इज अवेलेबल फॉर लाइनेक्स विच इज उबुंटू इज वन ऑफ द लाइनेक्स सिस्टम्स, Chrome, iOS, Windows, Dailybirds. And ये इसका source code है. Source code मतलब इसका backend का जो language है, programming है, वो लिखी हुई है. Open source का मतलब होता है कि जो resource, for example एक video है, आप उसको edit करके change भी कर सकते. ठीक है, तो video के context में तो समझ में आया. सॉफ्टवेयर में उसकी प्रोग्रामिंग का कोड दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो उसे चेंज करके नया प्रोग्राम भी बना सकते. अगर आपको लगता है इसमें कोई फीचर नहीं है और आप प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं तो यू कैन यूज इट एंड डेवलप योर ओन कोड ऑल्सो. ओके, सो यहां से आपने वंस यू क्लिक्ड
Here you will download it on your computer. It will be available in your computer, and then you can run it. Okay, now I'll move ahead. Once you have run it, installed it, then you open that OpenShot video editor and you will land onto something like, just a second. You will land onto this page. This is the landing page of OpenShot Video Editor. You can see everything here. Now, I am just giving you a few instructions here and then I will go to the software itself. Here you can see this is the main toolbar. File, edit, title, view, help. You can see it is very simple. बहुत ज़्यादा options नहीं है कि आप confused होएं उसको देख के. तो यहाँ पे ये आपकी नॉर्मल अनडू सेव वो सारे बटन और ये प्लस बटन है. प्लस बटन मतलब यहाँ से आप ऐड फाइल करेंगे. जैसे आप वर्ड में काम करते हैं तो वर्ड में तो आप खोलते हो टाइप करना शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पे आप टाइप तो नहीं कर रहे हैं और वर्ड में अगर आपको कोई इमेज चाहिए तो आप सिंपली पेस्ट भी कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे हम वर्ड में अगर हमें कुछ चाहिए और हम इंसर्ट ऑप्शन यूज करते हैं तो उसी तरह यहाँ पे एडिट शुरू करने से पहले हमें ये वाला ऐड फाइल बटन यूज करके अपनी फाइल्स जो जिस पे हमें एडिटिंग करनी है वीडियो या जो भी हमें इमेजेस चाहिए म्यूजिक हमें इसमें लगाना है वो सारी फाइल्स को हम इस वाले प्लस बटन से ऐड करके यहाँ पे कॉल करते हैं. जैसे ही आपने ऐड किया यहाँ पे आपको सारी फाइल्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी. ये है प्रोजेक्ट फाइल्स का बटन. ओके उसके बाद ये है आपकी प्रीव्यू विंडो. जो भी आपने यहाँ फाइल्स ऐड की हैं जब उनको आप यहाँ लाके प्ले करेंगे ट्रैक पे रख के हम उनको प्ले करते हैं एडिटिंग का एक्चुअल जो प्लेस है वो ये है. जो मेन वीडियो एडिटिंग की जाएगी वो यहाँ पे की जाएगी. ये सिर्फ लाइब्रेरी का काम करेगा और यहाँ पे हम जो भी प्ले करेंगे यहाँ पे आपको उसका विजुअल नजर आएगा. और ये हमारे कुछ एडिटिंग टूल्स हैं जो कि बहुत मिनिमम है. बाकी जब आप वीडियो या इमेज लाएंगे उसके ऊपर राइट क्लिक करने से आपको फर्दर ऑप्शंस मिलेंगी. राइट नाउ आई एम मूविंग अहेड. सो नाउ यू कैन सी माय डेस्कटॉप. हियर ओपन शॉट वीडियो एडिटर इज रिटन हियर. आई एम सिंपली दिस इज डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड. Now I'm simply double clicking on it and it will open in my system. It might take some time because the video editing softwares are slightly heavier than the other Word files and everything in our computer. So now you can see the similar thing has opened. Okay, this is the project file box. You can see project file button is active. This is the add files button. And these are undo, do, save. Everything is here. This is the export. Once you have done it, you can export it. This is the window video preview. And here is the tracks. Okay. Now, one small thing I want to tell you in the beginning. If you want ki aapki preview window badi ho, तो आप ये वाले जो डॉट्स हैं यहाँ पे आपको हो सकता है लाइन की तरह दिख रहे हो पर ये डॉट्स हैं इनको आप पुश एंड पुल करके किसी भी एरिया को छोटा बड़ा कर सकते हो जैसी आपकी नीड हो. आप यहाँ पे मैंने छोटा किया तो आप देखेंगे यहाँ टोटल हमें ट्रैक दिख रहे हैं 5 5 ट्रैक्स. ये ऑटोमेटिकली देता है फर्स्ट टाइम में. अगर आपको और एड करने हैं ट्रैक तो यहाँ पे जो ग्रीन बटन है ये एड ट्रैक करने के लिए अवेलेबल है. राइट अभी हम लोग थोड़ी सी बेसिक एडिटिंग शुरू करेंगे जिससे कि अभी आप करिएगा मत. अभी आप केवल स्टेप्स को देख लीजिए क्योंकि एक बार अगर आपने स्टेप्स को देखा तो आप इजीली उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे. मैं आपको बीच में एक दो चीजें करने के बाद आपको टाइम दूंगी कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस उसके साथ में कर लें. ठीक है अभी यहाँ पे मैंने बोला था ये एड फाइल्स है. अब यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करती हूँ यहाँ भी आपको दिखेगा इम्पोर्ट फाइल्स.
सेम बटन अंदर भी है, तो आप कहीं से भी वो चीज कर सकते हैं. सो आई एम क्लिकिंग हियर, गेटिंग इन टू जहां मैंने अपनी फाइल्स रखी हैं, जिसको मैं एडिट करके आपको दिखाऊंगी. ये देखिए, मैंने ये बस सिंपली वो किया, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, अभी ट्रैक पे कुछ नहीं हुआ. अगेन आई विल ऐड, आई एम एडिंग टू थ्री थिंग्स सो दैट आई कैन शो यू हाउ इट वर्क्स. These are, this is a video, you can see MP4. These are two images. So why I have taken images is that we should understand that image can also be added into a video also. Or simply putting together images can also make a video. Again, I'm going here. Music, how we can add the music. We can see that also. So right now I've got three type of things with me in my project library. Now I will start the editing process. I'm making it slightly smaller because here I need to show you the tracks also. Okay, so now once I start editing, I need to drag this video or image to the track. How to drag? Simply left click and drag. I'm bringing it here, placing it here in the track. Okay, now I will show you what this video is. I'll request the team to please confirm whether the audio is also coming to you or not. Audio is not audible. Okay. So I think I'll just stop share and reshare the thing. Reshare with the audio. Okay. Now it will come. Hello all. My name is Dimitri Agarwal. I study in class 2D from MT International School, Sector 1, Vasundhara. Today, I am going to perform an interesting experiment to shoot an air occupies space. So, here I have a bucket full of water and one empty bottle. Oh, is it really empty or is it filled with air? Does air occupy space? Let's find out. Now friends, invert the bottle slowly and put into the bucket. Notice, this water doesn't fill the bottle. There is something inside the bottle is occupying space. I can't see it. Is it air? Let's find. Now I tilt the bottle slightly. Oh, what's that? Air bubbles are coming out from the bottle. Let me tilt a little more. Wow, air bubbles are coming out from the bottle. Now friends, I upright the bottle again. You can see water level inside the bottle. Bubbles have stopped. Space that was occupied by air is now filled with water. Is it? Experiment has clearly proved that air occupies space. Is it that interesting? You can do it also at your home using any bucket and any bottle. So enjoy science. Bye bye. So now we have seen the video. Now we need to see how to edit it. First of all, this is a video and we have already seen that the has placed his name here with the paper. So if that is not the case, we can also give him a name here as an assistant band. And also
at the beginning of the video, we can have some title slide. Since this is an experiment, we can also, when he is saying what we need, the requirements for this experiment, a bucket of water and a empty bottle. So we can have a close-up of the images of these two things also. Okay. So now since he is carrying some bucket, once you shoot it, you have to be careful that you need a close-up shot of the bucket also. Okay. So this is the work of the screenplay and the script so that we are very clear what we are doing. So now here we will just mark the point whenever he is introducing what we need. I study in class 2D from MT International School, Sector 1, Vasundhara. Today, I am going to perform an interesting experiment to shoot air. Air occupies space. So, here I have a bucket. So, this is the point where he is showing the bucket. Now, I'll come to the here are the editing tools. You can see on my screen, I'm moving the cursor. This is the droplet of water means marker. I can simply mark where I want to cut. Okay. So I'm just wherever the cursor is right now, here it is. So marker will be dropped here only. I have marked it. Simply click it once and now I'm again playing it. Full of water. So here till here, he has talked about bucket. One empty bottle. Oh. And this. Now you can see that I have given 3 marks here. Okay. Now I will cut based on these marks. You can, if you want to zoom in, you can further zoom in also like this. This is the place for zooming in and zooming out. Right. So now I am going to cut it. So, just beyond the drop, you can see a scissor, which is called a razor tool. Okay. I am clicking. Right now, it is not selected. Once I click it, now please see, my cursor has changed to a knife. You can see a knife, dotted line is appearing. It is like a knife. So, be very careful. Once you select the scissor, then you have to cut it. Even if you click anywhere on the video, it will get cut into pieces. So before cutting it, always be very careful of marking and then very carefully put the cut marks. See, I've just clicked once here and you can see a cut appeared here. And I mark another cut. Okay, this much we are through. And then once I marked my cuts, I will simply remove, unselect this tool. Now you can see it is unselected. Okay. Undo button. Yes. हाँ sir, undo button भी है. यहाँ पे आप देखेंगे ये undo button है. ये redo button है. आपके पास यहीं पे सारे buttons available हैं. तो now, अब मैंने इनको काट तो दिया है. अब क्या होगा अगर मैं इस वीडियो को उड़ा दूं क्योंकि मुझे यहाँ पे बकेट लगानी है राइट सो हियर आई हैव अ बकेट फुल ऑफ वाटर राइट नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस आई डोंट वांट दिस सो आई एम सिंपली सिलेक्टिंग इट एंड डिलीटिंग व्हाट विल हैपन हैव यू थॉट ऑफ इट सो नाउ इफ आई प्ले हियर आई हैव अ बकेट I have seen that I have removed the audio also. Okay. So I need to be very careful before cutting the video. And I need to separate the audio from the video if it is merged. So now I will do the undo. I will remove the cut marks also. Now it is the same video. I will right click on the video. Right click on the video. Go to separate audio single clip and now you can see there is a different audio. Sorry to interrupt you ma'am. बार बार request आ रही है ma'am कि ये जो आप tools describe कर रही हैं उसको हिंदी में describe करें कि हम कैसे cut paste कर रहे हैं. अच्छा ठीक है sorry. तो बहुत दिक्कत हो रही है समझने में तो. Okay ठीक है मैं extra ध्यान दूंगी sorry. तो हमने क्या किया?
जो वीडियो का ट्रैक था, वीडियो थी, उसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे एक बटन है सेपरेट ऑडियो। सेपरेट ऑडियो पे सिंगल क्लिप पे आपने बटन को प्रेस किया, ठीक है। ये करते ही आप देखेंगे नीचे ऑडियो फाइल की वेव फॉर्म आपको नजर आने लग गई। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे केवल वीडियो है और यहाँ पे केवल ऑडियो है, ठीक है। पर अब जब आप एक बार ऑडियो और वीडियो को अलग कर लें, तो आपको भी एक चीज का ध्यान देना है कि अब आप वीडियो को इधर उधर मत हिलाइएगा। अगर आप वीडियो हिलाएंगे तो सिंक हिल जाएगा, जैसे कि हो सकता है वो बोल कुछ और रहा है, लिप्स कुछ और हिल रहे हैं, मतलब आवाज अलग आएगी, होंठ अलग हिलेंगे, तो वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग होता है कि किस तरह से हम समझें उस चीज को। तो इसीलिए जब भी आप इन दोनों को अलग कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुली आप इन दोनों को साथ में जब भी मूव करना हो, आप ऐसे दोनों को सिलेक्ट करके मूव करिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एडिट जो हमने कट लगाए थे, ये रेजर टूल हमने देखा था यहाँ पे, आप रेजर टूल को वापस से सिलेक्ट करेंगे हम, और ये जो पानी की बूंदों वाला हमारा निशान था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे, फिर एक दूसरा कट लगाएंगे। अभी मैं बहुत केयरफुली नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा ऊपरी तौर पे लगा रही हूँ, पर जब आप एक्चुअली एडिट करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा जूम इन करके अच्छे से देख के कि कोई वर्ड मिस ना हो, कैसा हो, वैसे करके आप कट लगाइए। अब ये रेजर टूल को जिसको मैंने सिलेक्ट किया था, मैं वापस से डीसिलेक्ट करूंगी, नहीं तो मेरी पूरी वीडियो कट जाएगी। नाउ अब मैंने इसको सिंपली सिलेक्ट किया और डिलीट। अब आप देखेंगे कि हमने पहले क्या गलती की थी। अब हमें समझ में आया, हमारे पास इस वक्त ऑडियो भी है, इस वक्त हमारे पास ऑडियो वीडियो भी है। ठीक है, तो ये जो पहले तो एक क्वेश्चन है कि कौन सी सॉफ्टवेयर है, ये ऐप नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है ओपन शॉट वीडियो एडिटर। और किसी ने पूछा कि आप वीडियो से ऑडियो को अलग करने का तरीका बताइए, तो राइट क्लिक ऑन द वीडियो, राइट क्लिक जो वीडियो ट्रैक पे पड़ी है, गो टू सेपरेट ऑडियो बटन पे आप सिंगल क्लिप पे बटन दबाइए और आपकी ऑडियो अलग हो जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आप देखेंगे स्पेस क्रिएट किया है, ये इतना सारा स्पेस है हमारे पास जिसमें हमें दो इमेजेस डालनी है, एक है बकेट की, तो मैं पहले यहाँ लाती हूँ, देखिए बकेट का तो बहुत बड़ा साइज है, फिर ये हमारे पास एक बोतल कैसे आएगी। तो ये बकेट का साइज बड़ा नहीं है, हमें इस बकेट को केवल कम देर के लिए दिखाना है, यहाँ पे ज्यादा समय के लिए हमने उसको दिखाया हुआ है। अब मैंने उसको कम देर कैसे किया, ऐसे सिंपल आपने कर्सर से उसको ड्रैग किया है, ठीक है। अब मैंने इसको ये कम देर का किया और मैं देख रही हूँ ये उस पॉइंट के बीच में फिक्स हो सकता है कि नहीं। अब मैं इसको नीचे ले आऊंगी, आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया, तो ये देखिए अभी क्या होगा यहाँ पे। हाँ एक झटके से एक बकेट अपियर हो गई, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि बकेट झटके से अपियर ना हो, तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, उस बकेट को आप सिंपली पकड़ेंगे वापस से, इसको पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर प्लेस कर देंगे, पहले थोड़ा बड़ा करेंगे हम उसको ऊपर प्लेस करने के लिए, ये बकेट है हम यहाँ पे लेके आए, हमने इसको प्लेस किया। अब मैंने भी प्लेस करके छोड़ा नहीं, अब छोड़ते ही देखिए क्या हुआ, इसके ऊपर ये एक मार्क सा बन के आ गया, ये है हमारा एक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब आपने पीपीटी में देखा होगा कि मेरी एक एक स्लाइड कैसे स्लोली जा रही थी, तो एक झटके से ना जाके वो एक डिजोल्व हो सकता है, एक वाइप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ट्रांजिशन। अब आप देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, बकेट फुल ऑफ वाटर एंड वन एम्प्टी बॉटल।
full of water and one empty bottle. So now, अब आपने देखा पहले एक झटके से वीडियो जा रही थी, अब हमारे पास बहुत प्यार से वो एक मर्ज होती हुई जा रही है, ठीक है। अब ये मैंने ट्रांजिशन लगाई ऑटोमेटिक, एक के ऊपर एक जब आप रखेंगे तो वो खुद ही ट्रांजिशन ले लेता है, पर अगर आप चाहें खुद से ट्रांजिशन लगाना तो यहाँ देखिए जहां प्रोजेक्ट फाइल लिखा है उसके बगल में ही एक बटन है ट्रांजिशन, मैंने उसे क्लिक किया, यहाँ बहुत सारी ट्रांजिशन आपके पास अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी हम यूज करेंगे, अब हम ये बॉटल की फोटो लगाएंगे तब हम यूज करके देखते हैं इसको। अब मैंने ये थोड़ा छोटा कर लिया इसको और मैं यहाँ लेके आई और मैंने यहाँ पे जैसे ही प्लेस करना है ये वापस से ट्रांजिशन लग गई, तो मैं इसको ट्रांजिशन को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब मैं अपनी ट्रांजिशन लेके आऊंगी, तो हम कुछ अलग सी लेके आते हैं जिससे हमें समझ में आए हमने कुछ नया करके देखा। ये बॉक्सेस वाली मैं लेके आ रही हूँ, यहां मैंने रखी और इसको अब हमें ऐसे ही ड्रैग करके जैसे हमने इमेज को छोटा किया था वैसे ही इसको छोटा कर दिया, कम टाइम के लिए डिस्प्ले किया। अब हम देखते हैं कैसे लग रही है। So, here I have a bucket full of water and one empty bottle. अब आप देख सकते हो कैसे वो बॉक्सेस में एक झट आई और फिर वो बॉटल स्टे की। Is it really empty? Now, यहां पे मैंने नहीं डाली बॉटल क्योंकि वो फिंगर डाल के दिखा रहा है कि इज इट रियली एम्प्टी, तो मैंने उसको वापस उसके शॉट पे ले आया। ये हमने किया एक बेसिक कटिंग करके ट्रांजिशन को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब ये एक चीज हम लोगों को समझ में आ गई। अभी किसी ने बोला इट इज वर्किंग लाइक अ काइन मास्टर, तो सर मैंने ये शुरू से ही कहा था कि सभी लगभग सिमिलर होते हैं, थोड़े बहुत फीचर्स अलग होते हैं, एक पैटर्न ऑफ वर्किंग हमारा सेम रहता है। ठीक है, अब हमने ये दो चीजें सीख ली कि ट्रांजिशन ऑटोमेटिक कैसे लगानी है, कट कैसे करना है, सेपरेट ऑडियो कैसे करना है और ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बताऊंगी। नाउ आई विल कम अगेन बैक टू प्रोजेक्ट फाइल्स। अब हमारा ये काम हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमने वीडियो की एडिटिंग कर दी, कट किया, उसको रिमूव कर दिया, अपना एक इमेज लगा दिया, ये सब हमने कर लिया। अब हमें चाहिए कि हम उसको एक बच्चे को एक एस्टन बैंड दे और एक वीडियो का टाइटल बनाए। ठीक है, तो हम अभी तीन चार चीजें धीरे धीरे कर रहे हैं सो दैट वी लर्न स्टेप बाय स्टेप। अब हमें एक टाइटल बनाना है, तो उसके लिए आप या तो कैनवा की मदद से या फिर आप पीपीटी की मदद से एक अपनी स्लाइड बना करके ला सकते हैं एज एन इमेज यहाँ पे और उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो यहीं पे जो ऊपर फाइल एडिट टाइटल वाला बटन था वहां पे टाइटल पे क्लिक करेंगे, टाइटल में जाएंगे, यहां से आप कोई भी टाइटल के एक फॉर्मेट अपना चूज कर लीजिए। ये टाइटल है, मैंने यहां से एक फॉर्मेट चूज कर लिया, आपने अपना टाइटल देना है इस प्रोग्राम का, कोई भी हम इसको लर्निंग टू एडिट करके मैंने इसको एक टाइटल दे दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास रेडी हो गई मेरी स्लाइड। अब मान लीजिए ये व्हाइट ब्लैक बड़ा बोरिंग लग रहा है, तो मैं टेक्स्ट कलर को अगर चेंज करना चाहूं तो मैं कर सकती हूँ, ये कुछ बेसिक एडिटिंग इसमें अलाउड है। बैकग्राउंड कलर में कुछ चेंज करना चाहूं तो वो भी कर सकती हूँ। ओके, इट विल अपियर स्लोली मे बी। It will appear and then I will simply save it. Now you can see the title track with slide I have created, it has come up here. The background color still had not changed but we can change it. ये आ गई, अब ये भी बड़ी है तो हमें ज्यादा देर के लिए कोई भी चीज को जो स्टैटिक हो, कोई भी इमेज जिसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत हल्की सी जरूरत है तो कम टाइम के लिए दिखाएं, नहीं तो वो वीडियो में बोरिंग हो जाती, तो इसको हम सिमिलरली छोटा करेंगे। छोटा कर लिया, अब हम इसको आगे लगा दें। अब आप समझे होंगे कि मैंने एक आगे स्पेस रखी थी, वो क्यों रखी थी, वो टाइटल के लिए रखी थी।
अब आप देखिए, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस वे। यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। अब हमने ये देख लिया, ये बच्चा भी आ गया, अब हमें इसका नाम भी डालना है। फॉर एग्जाम्पल, हम पेपर वाला नाम नहीं रखते, उसके लिए भी अगेन हमें टाइटल स्लाइड पे जाना है। यहाँ पे आपको ये जो फुटर ऑप्शन है, आप इसको यूज करके अपना टाइटल बना सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल या तो लेफ्ट लूंगी या राइट, क्योंकि बीच में उसका पेपर है तो नजर नहीं आएगा। सो राइट नाउ आई एम सिलेक्टिंग द दिस थिंग, और यहाँ पे फुटर टेक्स्ट हम डाल देते हैं दिविज अग्रवाल, ये बच्चे का नाम है। आप अगेन कोई कलर चेंज करना चाहें टेक्स्ट का तो, एंड आई से सेव। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब द क्वेश्चन अराइजेस नाउ हियर, इंपॉर्टेंट थिंग कम्स हियर इज द टाइटल तो हमने अलग से लगा दिया, ये हमने यहाँ लगा दिया, इसकी अलग स्पेस थी, पर अब इसको तो हमें वीडियो के ऊपर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है कि जो आपने देखा होगा मैंने ट्रैक 4 यूज किया, ट्रैक 5 खाली रखा है। दैट मींस ट्रैक 5 या ऊपर वाले ट्रैक पे हम ओवरले करेंगे चीजों को, मतलब जो वीडियो के ऊपर नजर आए। तो मैं इसको यहां पे लाऊंगी, और यहां पे प्लेस करूंगी। जो इसके अंदर इनबिल्ट वो है, ये बेसिकली एक न्यूट्रल बैकग्राउंड पे बने होते हैं, तो ये आपके ओवरले में काम आ जाते हैं। अब आप ये देखिए, हेलो ऑल, माय कैन यू सी द नेम अपीयरिंग हियर आई स्टडी इन विदाउट क्लास डिस्ट्रैक्टिंग द वीडियो। फ्रॉम इस तरह से हम यहाँ पे स्कूल, वीडियो पे सेक्टर 1 वसुंधरा। सिमिलरली अगर आपको अपने वीडियो पे कोई लोगो लगाना है, मान लीजिए आपको स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का कोई लोगो लगाना है, तो वो भी लगभग इसी तरीके से लगेगा। तो मैं अभी लगाती हूँ, वो भी टॉप ट्रैक पे रहेगा। अब आपको वो लोगो अक्रॉस वीडियो चाहिए तो हमें एक और ट्रैक ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने एक और ट्रैक ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बॉटल को लोगो बना देती हूँ, अभी के लिए लोगो की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं। मैं यहाँ पे रख दिया। अब हमें चाहिए कि पूरी वीडियो में आए, ठीक है, तो मैं इसको ड्रैग करूंगी, राइट। अब हमने ड्रैग भी कर लिया, पर अभी क्या है, आप देखेंगे कि वो वीडियो के ऊपर नजर आ रहा है। हमें इसको क्या करना है, लोगों की तरह दिखाना है। तो लोगो या तो आपके पास अपना बना हुआ होगा या फिर आप इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको सिंपली पकड़ूंगी। ये आप देखो यहाँ प्रीव्यू विंडो में, अब आपका ध्यान आना चाहिए, आप प्रीव्यू विंडो में आए, सिंपली इधर से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, पहले जहां आप काम कर रहे हैं उसको आप थोड़ा छोटा बड़ा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। जब ये डायगनल एरो आ जाए, किसी भी फोटो को कभी भी राइट लेफ्ट से हम नहीं करते हैं, हमें हमेशा उसको डायगनल वाले पॉइंट से ही करना होता है। ये देखिए मैंने इसको छोटा किया, इतना छोटा कर दिया। अब मेरे को इसको मान लीजिए प्लेस करना है, ये आगे, सॉरी, ये मेरा जब ये 4 एरो आ जाएगा मैं इसको पकड़ूंगी और इसको यहां ले जाके जहां भी जिस कॉर्नर में भी आपको लोगो लगाना है आप वहां पे इसको लगा सकते हैं। अब आप देखिए इसको हमारी एडिटिंग, अब आप थोड़ी थोड़ी देखेंगे कि हमने क्या क्या किया है। हेलो ऑल, माय नेम इज दिव्य जगरवाल, आई अभी आपने नोटिस किया कि एक टाइटल स्लाइड आई, लोगो आया, उसके बाद वीडियो शुरू हुआ, वीडियो शुरू होने के तुरंत बाद बच्चे का नाम आया। फ्रॉम एमटी इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 1 वसुंधरा। टुडे आई एम गोइंग टू परफॉर्म एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट टू शूट एन एयर ऑक्यूपाइड स्पेस। सो हियर आई हैव अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड
एंड वन एम्प्टी बॉटल। और ये हमारा बेसिक एडिटिंग जो हमने अभी तक की वो हमने सारी देख ली। अब हम इतना हमें समझ में आ गया, ये मोबाइल के लिए नहीं है। मैंने बिगिनिंग में आप सबको बताया था दिस इज अ कंप्यूटर लैपटॉप के लिए है या कंप्यूटर के लिए है, मोबाइल ऐप ओपन शॉट वीडियो एडिटर का नहीं है। सो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अब इतना करने के बाद रादर इससे पहले ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है सेव द प्रोजेक्ट। होता क्या है कि हमारा सिस्टम एडिटिंग के लिए शायद बना हो या ना बना हो तो फाइल सडनली बंद हो जाए, प्रोजेक्ट क्लोज हो जाए, तो उससे पहले हमें इसे सेव कर लेना चाहिए। सिंपली सेव, जैसे हम कोई भी चीज सेव करते हैं वैसे हम इसको करेंगे सेव प्रोजेक्ट। इसको हम नाम देंगे लर्निंग टू एडिट, राइट। अब हमने इसको सेव कर दिया, कहाँ सेव किया ये नहीं पता मुझे, मैं ये देखना भूल गई थी सेव कहाँ किया है। सो इट इज ऑन डेस्कटॉप थैंकफुली। तो आपने इसको सेव कर लिया, ओके। अब आप एडिट करते रहिए और बीच बीच में कंट्रोल एस से सेव नॉर्मल करते रहिए, वो एक इसका जरूरी एस्पेक्ट है। सो एक चीज ये कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट फॉर्म में है, ये पूरा प्रोजेक्ट सेव होगा, मतलब लाइब्रेरी प्रीव्यू सब कुछ सेव होगा, और ये MP4 नहीं है, दिस इज जस्ट अ प्रोजेक्ट। वेन एवर यू नीड टू एडिट इट यू हैव टू कम हियर एंड एडिट इट, MP4 में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने इतना एडिट कर लिया और सेव कर लिया। अब हम फॉर एग्जाम्पल बड़ा सैड सा लग रहा है, हमें कोई म्यूजिक लगाना है, तो हमने यहाँ पे एक म्यूजिक लाया था ऑलरेडी उसमें, तो आप देखेंगे हमारी टॉप ट्रैक पे लोगो है, ट्रैक 5 पे हमारा नाम है, फिर हमारा मेन वीडियो है, ट्रैक 3 पे हमारा म्यूजिक है। अब ट्रैक 2 और 1 पे हम ऑडियो और साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। सो बेसिकली जो सबसे ऊपर चीज दिखेगी वो सबसे ऊपर के ट्रैक पे होगी और जो चीजें नहीं दिखेंगी वो नीचे के ट्रैक पे आती जाएंगी। म्यूजिक नीचे हो साउंड इफेक्ट नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सो नाउ आई एम ब्रिंगिंग दिस ऑडियो फाइल हियर। ये कुछ गलत आ गई है तो मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको लेके आ रही हूँ और मैंने यहाँ ट्रैक 2 पे बिगनिंग से लगा दिया, ठीक है। अब आप इसको, ये मेरे पास बहुत बड़ी है तो मैं थोड़ा छोटा बड़ा अगर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कट कर देती हूँ, इतनी बड़ी मुझे चाहिए नहीं। And I bring it here. ये अब आप देखिए कैसा लगता है ये म्यूजिक। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि म्यूजिक अच्छा लग रहा है पर बच्चे की आवाज जो है वो दब गई है, तो हमें म्यूजिक को थोड़ा सा और लो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक तो यहाँ थोड़ा स्टार्टिंग उसका स्लो है वो भी मैं हटा दे रही हूँ अभी के लिए। सो नाउ अगर आपको म्यूजिक को लो करना है, आपने सिंपली उस म्यूजिक फाइल के ऊपर राइट क्लिक किया, आप वॉल्यूम पे आएंगे, हमें एंटायर क्लिप की करनी है, स्टार्ट से करनी है, जैसे भी। अगर आपको फेड इन फेड आउट करना है, मतलब शुरू में हाई हो लो हो, वो भी हम इसी में कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से सीधा वीडियो की ऑडियो को कम करते हैं। लेवल हमने किया सीधा 20%। अब हम सुनेंगे कि क्या फर्क पड़ता है इससे और म्यूजिक में। बच्चे की आवाज और म्यूजिक, बहुत पीछे बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक है और बच्चे की आवाज भी प्रॉपरली हमें आ रही है। सो नाउ दिस इज लाइक एक तरह से हमारा फॉर एग्जाम्पल काम हो गया। तो अब हम रिमेनिंग इसको उड़ा देते हैं, म्यूजिक फाइल को जितनी हमें चाहिए उतनी ही रखेंगे। एंड नाउ वी कैन सेव इट वंस अगेन। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट हमारे बटन है उनसे भी कर सकते हो, या फिर यहां से ये कर सकते हो, या कंट्रोल एस। अब
सेव हमने कर लिया, एडिट हमने कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, इसको किसी के साथ शेयर करना है। तो कैसे करेंगे? शेयर करने के लिए हमें चाहिए कि हम इसको MP4, एक ऐसा फॉर्मेट जो मोबाइल में भी चले, लैपटॉप पे भी चले, ऐसे किसी फॉर्मेट में इसको लाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे रेड बटन था एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट वीडियो, या फिर आप फाइल में जाके भी एक्सपोर्ट वीडियो कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक्सपोर्ट वीडियो खुल गया। इसकी डेस्टिनेशन उसे पता है, क्योंकि जहां उसने वो प्रोजेक्ट फाइल सेव किया वहीं करेगा। यहाँ पे आपको किस के लिए, सभी फॉर्मेट में करना है, डीवीडी के लिए, वेब के लिए, किसके लिए चाहिए, तो हम लोग ऑल फॉर्मेट रखेंगे। यहाँ पे MP4 का भी कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए आप वो डिसाइड कर सकते हैं, या AV जो वीडियो फॉर्मेट होते हैं वो चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। वीडियो प्रोफाइल मतलब वीडियो की डायमेंशन क्या होगी, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक सबके डायमेंशन अलग अलग होती है, तो आप उस डायमेंशन के हिसाब से भी इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद है हाई लो मीडियम, तो लो वाली थोड़ी ज्यादा लो क्वालिटी होती है, आप मीडियम और हाई में से कोई भी चूज कर लीजिए, इट्स फाइन फॉर मोबाइल एंड लैपटॉप। अगर आप किसी बड़ी स्क्रीन के लिए कर रहे हैं तो प्रेफरेबली फिर हाई कीजिए। अभी के लिए मैं आपको हाई करके दिखाती हूँ। अब मैंने किया एक्सपोर्ट वीडियो, इट विल टेक 1 or 2 minutes राइट नाउ बिकॉज इट्स अ स्मॉल वीडियो। आप अगर जब किसी कंटेंट की वीडियो बनाएंगे, हो सकता है 10 मिनट की हो या 15 मिनट की हो या आधे घंटे की हो, उस केस में आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीट रेंडरिंग प्रोसेस ऑफ द एडिटिंग। इसके अंदर क्या होता है, जितने हमने इफेक्ट्स लगाए, म्यूजिक लगाया, ये जो हमने ट्रांजिशंस लगाई, वो सबको क्लब करके एक साथ जोड़ता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, नॉट जस्ट इन आर कंप्यूटर, इवन इन द प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग ऑल्सो इट टेक्स सम टाइम टू रेंडर इट, टू सेव इट फाइनली एज एन यू नो रीडेबल फाइल फॉर अदर डिवाइसेस। तो ये थोड़ा सा टाइम आपको इसमें लगेगा। तो बाय द टाइम जब तक ये हो रहा है, मैं आपके क्वेश्चंस देख लेती हूँ। मीनू मैम, मैंने आपको बताया ये ऐप नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में डाउनलोड होगा, मोबाइल पे नहीं होगा। आई स्टार्टेड विद दिस ओनली। डिफरेंट ट्रैक का फंक्शन क्या है, ये मैंने आपको अभी अभी डिफरेंट ट्रैक का फंक्शन किया कि जो भी हमारे वीडियो वीडियोस हैं ऊपर के ट्रैक्स में रहेंगे, लाइक 5, 4, 3, 6, इन सब में, और जो ऑडियो है वो हमारा नीचे के ट्रैक्स में रहेगा, क्योंकि जो भी चीज सबसे ऊपर वीडियो में दिखेगी वो सबसे टॉप ट्रैक पे रहेगी, और बाकी की सारी जो एडिटिंग है वो ट्रैक्स में ही होगी। ये मुश्किल नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये बहुत आसान है, बस एक बार आपको करके देखना है। किसी ने पूछा था स्टोरी बोर्डिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर, तो आप कैनवा पे भी कर सकते हैं, आप हैंड ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप सिंपल जो प्रिंट हमारा पेंट वाला है उस पे भी बना सकते हैं। तो ऐसी कोई नियम नहीं है कि आप कैसे बनाएं, आप सिंपली वर्ड पे भी जो हमारी इनवो दिए होते हैं क्लिप आर्ट वगैरह, उसके थ्रू भी आप इसको बना सकते हैं इन द बॉक्सेस, तो दैट इज पॉसिबल। बस ये होने वाला है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या एडिट किया और वो कैसा एडिट करने के बाद दिखता है। किसी ने अभी अभी चैट में ये भी पूछा था कि क्या हम आप हमें वो सिखा दो, क्रोमा। तो हाँ, मैं क्रोमा भी आपको बताऊंगी, पर पहले हमारा बेसिक थोड़ा सा हो जाए तभी हम क्रोमा पर जा पाएंगे। सो नाउ इट इज डन, आई एम गोइंग टू माई डेस्कटॉप। ये देखिए, यहाँ पे दो फाइल दिख रही है, लर्निंग टू एडिट में, एक में ओपन शॉट का आइकन बना है और एक में MP4 वीडियो का। तो अब हम MP4 वीडियो को मैं आपके लिए प्ले करूंगी, आप देखिएगा एडिट होके ये कैसा दिख रहा है। Here
I have a bucket full of water and one empty bottle. Oh, is it really empty or is it filled with air? Does air occupy space? Let's find out. Now, friends. So, अब आपने देखा कि हमारा म्यूजिक भी ठीक चल रहा है और बाकी एस्पेक्ट भी ठीक काम कर रहे हैं. सो वी हैव डन इट राइटली. आपने एक इमेज देखी होगी, जब बॉटल की इमेज आ रही है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो क्योंकि बॉटल का साइज फोटो का ठीक नहीं है. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एडिटिंग बट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द बॉटल, राइट? तो अब कैन वी एड एनिमेटेड टेक्स्ट और इमेजेस? हाँ, आप कर सकते हैं. आप एनिमेटेड टेक्स्ट भी कर सकते हैं. इनफैक्ट यहाँ पे बेसिक टेक्स्ट एनिमेशन के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है एनिमेट ऑप्शन. राइट क्लिक करेंगे, फेड, एनिमेट, रोटेट, ये बेसिक ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं. आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं. हाँ, यू कैन ब्रिंग गूगल स्लाइड एज एन इमेज हियर एंड यू कैन यूज इट. यू हैव टू एक्सपोर्ट इट एज एन इमेज, देन ओनली यू कैन यूज इट हियर. सर सब कुछ इजी है, काइंड मास्टर, वीडियो गुरु, सब इजी है. द ओनली थिंग इज दैट दिस इज ओपन सोर्स एंड कंप्लीटली फ्री. काइंड मास्टर विल कम विद योर लोगो वॉटरमार्क, सो दैट इज द इशू. यस, सब टाइटल्स आप डाल सकते हैं. सब टाइटल्स के लिए जैसे हमने वो टाइटल स्लाइड से किया था, इसका डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है कोई कि आप खुद से एक ही बारी में क्रिएट हो जाए. तो टाइटल पे जाके जो फुटर ऑप्शन थी हमारी, फुटर ऑप्शन के अंदर ही हमको सबटाइटल्स लिखने होंगे. ये आपकी फुटर ऑप्शन है. यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट लंबा सा लिखा, उतनी देर के लिए आप उसको वहां पे प्लेस करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड बना करके ले आइए. तो दिस वे यू कैन ऐड सबटाइटल्स आल्सो. सिमिलर, जैसे हमने नाम डाला है बिल्कुल वैसे ही. दिस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. मिस्टर आलोक, shall we give them time to practice or shall I move ahead? Team CIT. Good afternoon, ma'am. Actually, yes, I have a question. Yes, sir. Roof Khan from Jammu and Kashmir. Actually, ma'am, जब हम Canva में कोई PPT बनाते हैं, उसको हम export करते हैं in the form of video. तो उस वीडियो को हम लेटर ऑन फिर वॉइस देते हैं, वॉइस ओवर. हाँ, वो भी कर सकते हैं. आप उस वीडियो को यहाँ ले आइए, वॉइस आप दे दीजिए. मेरा सवाल आगे है. तो जब हम उस वीडियो को उस इन द फॉर्म ऑफ जो वीडियो, इसको वीडियो यहाँ लाएंगे, तो वहां क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो एक पीपीटी एक स्लाइड का जो टाइम रहता है वो बाय डिफॉल्ट रहता है 4 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 12 seconds. फॉर एग्जाम्पल, If, अगर कोई ऐसी स्लाइड हो जिसमें हमें फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट लग जाए, तो जब हम वीडियो एज वीडियो डाउनलोड करेंगे हम उसको, तो वो तो डिफॉल्ट साइज लेगा, डिफॉल्ट टाइम लेगा. तो क्या यहाँ ऐसी कोई ऑप्शन है कि उस स्लाइड को हम थोड़ा एक्सटेंड करें, सो दैट जो हमारा ऑडियो है उसके साथ मैच हो जाए? सर, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो वो स्लाइड है जहां पे आ रही है, स्लाइड एक स्टैटिक है, इसका मतलब उसमें कुछ ऐसी मूवमेंट तो हम ले नहीं रहे, तो आप उसको वहां वाले पोर्शन पे कट करके और उसको थोड़ी देर के लिए एक्सटेंड करके छोड़ सकते हैं, बिकॉज इट इज मोर लाइक एन इमेज. या फिर आप उसी स्लाइड की इमेज ला करके वापस से यहीं पे प्लेस कर सकते हैं, एंड यू कैन कीप योर ऑडियो लॉन्गर. आई होप आपको समझ आया होगा. मैडम, थैंक यू मैम. देयर वाज दिस सॉफ्टवेयर विंडोज मूवी मेकर. हाँ, मैंने उससे सीखा था. सो आई मीन व्हेन यू वर्कड ऑन दिस ना, तो इट वाज प्रीटी इजी. लाइक मेरे को बहुत इजीली समझ आ गया, बिकॉज़ उस समय विंडोज के साथ आता था वो मूवी मेकर. हाँ, विंडोज मूवी मेकर था सर. ऐसा है, मैंने बहुत सारे और भी ट्राई किए हैं ऐसा. आप इवन आप प्रोफेशनल प्रीमियर भी यूज करेंगे तो भी सिमिलर फीचर्स होंगे, क्योंकि हमने एक बेसिक एप्लीकेशन जब सीख लिया तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लर्न अ न्यू वन. डेफिनेटली नहीं, बट इट गिव्स लाइफ रियली. आई मीन आई यूज्ड टू मेक ये फेयरवेल में मूवीज जो बनाते थे ना, उसका नाम रखा था रेमिनिसेंसेस, यादें, एंड इट वाज अ हिट. सो स्टूडेंट्स के बीच में ना इट वाज अ हिट. लाइक
तो याद आ गई, जब आप ये कर रहे थे ना तो मुझे याद आ गया वो। थैंक ओके यू मैम, थैंक यू। सर। सीआईटी टीम, आई वांटेड टू आस्क कि हम लोग आगे करा दें या फिर प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है। प्लीज कंटिन्यू, 3:30 सेशन ब्रेक करेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके ठीक है। हाँ जी, आपका क्वेश्चन था सर मैडम, कुछ? स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या हम लोग? स्क्रीन रिकॉर्ड इस वाले सॉफ्टवेयर में नहीं, पर आप स्क्रीन कास्टोमैटिक से कर सकते हैं। ओके थैंक यू मैम। तो अभी हमने इतना सीख लिया है, मैं आपको, किसी ने क्रोमा पूछा था तो मैं वो भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कैसे वो काम करता है। हमने एक्चुअली क्रोमा भी सीख लिया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे, बट मैं आपको थोड़ा सा उसका भी एक ब्रीफ दे देती हूँ। सो मैं इसी पे आगे जा रही हूँ थोड़ा सा स्पेस में, सो दैट वी कैन आई कैन ट्राई फॉर यू। क्रोमा होता है जब हमारी वीडियो किसी एक सिंपल बैकग्राउंड में, सिंगल बैकग्राउंड में शूट हुई हो, हम उस बैकग्राउंड को चेंज करके उसकी जगह कुछ और लगाना चाहें। जैसे आप जूम पे अपने पीछे बैकग्राउंड चेंज करते हैं, सिमिलर टू दिस। जूम की तो अलग क्वालिटीज है, बट हम वीडियो के ऊपर बात करें तो उसकी मैं आपको दे रही हूँ। सो मैं आप दो चीजें यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ और फिर आपको क्रोमा का प्रोसेस बता देती हूँ। So I've got these two things. ये है मेरे पास दो चीजें, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये दो चीजें हैं क्या। सॉरी, मैं अलग अलग रखती हूँ तो आपको नजर में आएगा। ये आप देखेंगे कि एक वीडियो है जिसमें कुछ मूवमेंट हो रही है, पर बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल प्लेन है, ग्रीन। ग्रीन नॉर्मली हम क्रोमा कलर चूज करते हैं, और ये मैंने उसके लिए बैकग्राउंड चूज किया है कि हम यहाँ पे उसको प्लेस करेंगे ग्रीन हटा के। तो अब ग्रीन को हटाना कैसे और इसको प्लेस कैसे करना है, सो उसके लिए आप इस वाले वीडियो पे आएंगे, फर्स्ट वाले पे। ये बिल्कुल बिगनिंग में हूं मैं, यहाँ इफेक्ट्स पे जाएंगे आप, जहां प्रोजेक्ट फाइल्स थी वही ट्रांजिशन है, वही इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स पे आने के बाद आप यहाँ पे ये क्रोमा की करके एक ऑप्शन है, इसको आप ड्रैग करके इस वाले वीडियो पे ड्रॉप करेंगे, जिसके ऊपर क्रोमा करना है उस पर ड्रैग करेंगे। एंड नाउ ये जो सी बटन आया है इस पे क्लिक करेंगे, राइट राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे की कलर की एक ऑप्शन है, की कलर की ऑप्शन पे ब्लैक दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया और एक ये पैलेट खुल गया। सो नाउ आई नीड टू गिव दिस ग्रीन कलर। तो मैं या तो अपने आप यहाँ से ग्रीन कलर चूज करके दे दू, पर इट कुड बी वेरी दूर हो सकता है उस हरे रंग के, तो मैं पिक स्क्रीन कलर करती हूँ एंड आई कम हियर। यहाँ से मैंने ग्रीन कलर चूज किया, आप देखिए यहाँ पे सेम ग्रीन कलर आ गया, एंड फिर मैंने ओके का बटन प्रेस किया। आप देख रहे हैं इसका ग्रीन कलर सारा उड़ गया, लगभग थोड़ा सा रह गया। उसके लिए ये जो थ्रेशहोल्ड करके बटन है, यहाँ 5 है, इसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे। मैंने 50 किया, कम हो गया, अभी और भी है तो मैंने 100 कर दिया, आप देखें काफी कम हो गया। ये सारा जो है एक्सपेरिमेंट है, आप करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। मतलब शेडो है तो थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है अगर दो वेरिएशन है ग्रीन कलर की तो आप दो बार यहाँ पे क्रोमा की बटन को लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ एक बार लाए थे मैं दोबारा ले आई, ये चीज कह रही हूँ। ठीक है, अब हमारा क्रोमा हो गया, मैंने बैकग्राउंड को उसके नीचे दे दिया और इसको उसके ऊपर बैठा दिया। ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है कि फ्लाई कर रहा है थोड़ा सा, स्टेज पे है नहीं, सो आई विल यूज द सेम बटन यहां से उनको छोटा करने वाला जो हमने किया था लोगो बनाने के लिए। सॉरी, ये उसको छोटा कर रहा है, मुझे पर्सन को छोटा करना है और मैंने इनको ऐसे करके नीचे ले आई। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्ले करूंगी तो आप देखेंगे
इट इज लुकिंग एज इफ ये स्टेज पे ही खड़ा होके काम कर रहा है. सो दिस इज ये है कैसे करके कि क्रोमा काम करता है. तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है क्रोमा, आपको एक बार आराम से बैठ के ट्राई करना है तो आप इसको भी कर पाएंगे, क्रोमा को भी. ठीक है, अभी अगर आपके कोई और क्वेश्चन है जिससे सजेस्ट दो सॉफ्टवेयर विच आर फ्री एंड डजंट लीव द वाटर मार्क. सर दिस ओपन शॉट वीडियो एडिटर इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स, एंड ऑल्सो केडीएन लाइव इज ऑल्सो फ्री एंड ओपन सोर्स. अब आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से हमने क्रोमा भी करके देख लिया है. और कोई अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो अब आप 5 मिनट के लिए अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. वीडियो की साइज रिड्यूस करेंगे, वीडियो की साइज आप कैसे रिड्यूस करना चाह रहे हैं, मतलब MP4 मतलब क्या उसकी MB में बात कर रहे हैं. हाँ पूछिए दिनेश सर, आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ तो रहे मैम, जो मैं ना वीडियोस बनाता हूँ, मैं हैं. ज्यादातर इन शॉर्ट्स में वीडियोस बनाता हूँ। जैसे आप जो फीचर्स बता रहे हैं वो फीचर्स मैं काफी यूज करता हूँ और अपने एक चैनल में उसको मैं यूटिलाइज करता हूँ। जैसे अभी हमारे पंजाब में वो वर्कशीट चल रही है, उसको मैं यूटिलाइज करता हूँ। मुझे एनिमेशन के रिलेटेड, जैसे मैम खुद की एनिमेशन अगर हम ड्रा कर सकते, बना सकते हैं एनिमेशन खुद की। इसके अंदर बेसिक एनिमेशन की तो ऑप्शन है, जो ज्यादा डिटेल्ड एनिमेशन है उसके लिए आपको ब्लेंडर इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा या इंकस्केप, तो आप मैम एनिमेशन. कौन, मैम मैं जो भी करता हूँ, वैसे मैं लैपटॉप पे नहीं बनाता। मैं सारी जो वीडियोस बनाता हूँ पहले शूट कर लेता हूँ, उसको बाद उसको कंपाइल करके बनाता हूँ मैम। इन शॉर्ट में जैसे हाँ लास्ट अभी 5 दिन समझ गए. पहले हमारे स्कूल में क्या कहते हैं, एक टीचर जैसे हैप्पी टीचर डे बनाया गया था, टीचर डे बनाया गया था, उसमें मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला था। तो मुझे कई बार ऐसा है कि मैं कुछ नया सीखूं और जो बच्चों के सामने उसको रिप्रेजेंट करूं, जिससे बच्चों की जो स्टडी है वो ज्यादा बेटर हो जाए मैम। ये देखिए इसके अंदर एनिमेटेड टाइटल्स की एक ऑप्शन थी, मैंने वो यूज करके आपको नहीं दिखाई. द प्रॉब्लम इज उसके लिए आपको ब्लेंडर थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा. ब्लेंडर जो है वो एनिमेशन का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूज करिए तो यू कैन डू द टाइप ऑफ एडिटिंग यू आर सेइंग कि एनिमेशन आप ला सकते हैं. अभी ये इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने ब्लेंडर इसके साथ वो नहीं किया हुआ है, लैपटॉप मैडम ये मोबाइल ऐप मिल सकते हैं या लैपटॉप ऐप है ये? के. तो मैम मोबाइल कोई ऐप है जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर आजकल काम मोबाइल्स में हो जाता है मैम। एक्चुअली ओपन सोर्स की मुझे नहीं पता है मोबाइल ऐप, अभी तो मुझे सॉफ्टवेयर ही पता है, बट इफ आई कम अक्रॉस एनी आई विल लेट यू नो. हाँ ओके। गुड जी इवनिंग मैम, यस मैम. मैं एक बार फिर से अपनी ओपन शो की जो आपने बनाया वीडियोस का प्रोसेस एक बार फिर से बता देंगे हमें कि मैम कौन मैंने सी? ऐप डाउन जो मैम अभी आपने ओपन शो में एक वीडियो बनाई थी मैम, मैंने वो डाउनलोड कर लिया, वो पैलेट मेरे पास आ गई है. तो अच्छा अभी जैसे आपने कहा ना मैम थोड़ा मिस हो गया था वो नेटवर्क की वजह से, ठीक मैम स्टेप्स बता दीजिए कि हमें कैसे करना है, तो मैम आप अभी ना स्क्रीन पे बस देखते रहिए, मैं ऐसे कोई वो नहीं करूंगी. आपने वीडियो को पहले तो ये जो ग्रीन बटन है, कोई भी वीडियो जिसको एडिट करना है या इमेज, इस बटन से आप इम्पोर्ट करेंगे फाइल को, यहाँ मैम। लेके आएंगे प्रोजेक्ट फाइल में. हाँ ग्रीन जो ऐड का बटन है ग्रीन, हाँ हाँ ऐड वाला बटन है, यहाँ पे ओके लाएंगे. उसके बाद वीडियो को नीचे ड्रैग करके लाएंगे उस पर एडिटिंग करने के लिए, एडिटिंग यहाँ पे होती है ट्रैक्स पे. ठीक है, जी। और हाँ सो मैम, जो वीडियो है ये हमारे सिस्टम में होनी चाहिए, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल आप सिस्टम नहीं, जी आप ब्राउज नहीं कर सकते कहीं से, तभी आप ब्राउज करके भी आप लाएंगे सिस्टम में तभी तो आएगा ना. डाउन गया या? ओके मैम, उसके बाद डाउनलोड भी कर रहे हैं तो डाउनलोड करके भी आपको लाना तो पड़ेगा ही सिस्टम में. जी मैम, जब आपने वीडियो यहाँ पर आप ले आए हो तो वीडियो मतलब ऑटोमेटिकली वीडियो ट्रैक 3 पर ही जाएगी या हमें ट्रैक चूज करना होगा? ट्रैक पे रख सकते हैं, वो आपके हाथ में है. वीडियो को ओके नॉर्मली हम 3-4 पे एडिट करते हैं, 5 के ऊपर हम उसके ऊपर ओवरले चीजें जैसे कि ऊपर नाम आना है, लोगो आना है, जो वीडियो के भी ऊपर आएगा जी दिखेगा भी, वो चीजें हम टॉप ट्रैक पे रखते हैं. 3rd और 4th पे आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं. अब एडिट करने के लिए ये आपका कटिंग का टूल है, इसे जी लेंगे सिलेक्ट करेंगे तो ये कट मार्क देगा आपको और आप उसको कट कर सकते हैं. और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप ऑडियो के साथ चेंजेस कर सकते हैं, प्लस ये सेपरेट ऑडियो, मान लो वीडियो के अंदर ही कोई ऑडियो है इनबिल्ट तो
तो उसको आप सेपरेट ऑडियो बटन से अलग करेंगे और फिर आप उसे एडिट करेंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पे टाइटल पे जाके हमने टाइटल स्लाइड बनाई है, और सबटाइटल्स के लिए भी हम इसकी फुटर वाली ऑप्शन यूज करके सबटाइटल्स बना सकते हैं। ठीक है, ये अभी हमने बेसिक जो किया है, अब आप इसको ट्राई करिए। आई डोंट नो वेदर ऐसे समझ भी आया है कि नहीं आपको। और कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। ऐसा है सर, मैं ये वाला क्वेश्चन की कोई और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको दो बता दिए, आप कितनों से भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे डिलिमिट करना है खुद को कि हम एक कोई टूल बताएं जिससे कि सब समझ सके। तो यहाँ हमने ओपन शॉट ही रखा है, और इसमें कोई वाटरमार्क भी नहीं आता, ये फ्री भी है और इजी टू यूज भी है, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्रोमा का किसी ने बोला, एक बार आप दोबारा बताइए, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेट शेप बटन। यस, आई थिंक आई मिस द मैग्नेट थिंग। मैग्नेट का काम होता है दो चीजों को जोड़ना, जैसे अट्रैक्ट करता है ना मैग्नेट लोहे को, वैसे ही जैसे मैं अगर ये वीडियो को यहाँ से अलग करती हूँ और मैग्नेट को डीसिलेक्ट करती हूँ, तो ये जो जाएगी ना, ये मुझे खुद जोड़नी पड़ेगी, ये खुद से अटैच नहीं होगी, कि उसको फेच नहीं करेगी। अगर आप रखोगे ना आसपास लेके जाओगे, तो जैसे मैग्नेट खींचता ही वो नहीं करेगी, बट अगर मैं ऐसे करती हूँ उसको सिलेक्ट, तो जैसे ही मैं इसके आसपास जाऊंगी ना, ये झटके से उसको खींच लेगा। तो बेसिकली वीडियो एडिटिंग में क्या होता है कि दो चीजों को जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हल्का सा भी गैप रह गया तो वहां एक ब्लैक आ जाएगा, जब हम फिजिकली करते तो एक ब्लैक आ जाएगा उसमें। ब्लैक मतलब ये, मैं अगर इसको मैं ऑफ कर दूं और मैं खुद जोड़ने की कोशिश करूं, तो ये देखिए, अगर मैंने अभी तो मैंने छोड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से वो चीज आए ऐसे जाएगा बहुत कम टाइम का। सो इसीलिए हम मैग्नेट टूल रखते हैं ताकि वीडियो आराम से आपस में हल्की सी जुड़ जाए, कि हमारे को वो ब्लैक की ऑप्शन ना रहे, और ये ब्लू लाइन हमें कंफर्म करती है कौन से पॉइंट पे वो जुड़ रही है। ये हो गया मैग्नेट। क्रोमा के लिए किसी ने पूछा था अभी, तो मैं क्रोमा का भी एक बार ही बता देती हूँ। क्रोमा के लिए जिसके अंदर बैकग्राउंड हटाना है, जिस वीडियो में आपने, आप उस वाले वीडियो को ऊपर रखेंगे, और उसके ऊपर आप इफेक्ट्स में जाके क्रोमा की इफेक्ट लेके आएंगे। यहाँ पे क्रोमा की इफेक्ट पे फिर यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे की कलर करके अपना जो कलर हटाना है वो चूज करेंगे, और उसको हटा के उसके नीचे एक बैकग्राउंड प्लेस कर देंगे। इस तरह से क्रोमा की काम करता है। और ये हमारा बेसिक हो गया है। अभी अगर कोई और क्वेश्चंस हैं, अगर आप अनम्यूट करके पूछना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी आई होप क्रोमा की भी आपको समझ आ गया होगा। विजय सर का हैंड रेज है, प्लीज पूछिए। मैम, वाइल एडिटिंग मैग्नेट टूल हर वक्त सिलेक्टेड ही रहेगा जी? ज्यादातर सिलेक्टेड ही रखते हैं इसको, पर अगर जैसे आपने जब वो टाइटल्स मैंने बताए, सब टाइटल्स डाल रहे हैं, जब आप सब टाइटल्स की स्लाइड बना के डालेंगे तब आप इसको एक्टिव मत रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ये बहुत पास से जोड़ता है, तो कई बार सब टाइटल्स मर्ज हो जाते हैं, उस केस में आप इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी सब केसेस में ये ऑन ही रहता है। यस मीनू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम आप जो क्रोमा का था मैम, क्रोमा वाला भी आप इसी में करके दिखा रहे थे? हाँ हाँ इसी में किया था अभी ओपन शॉट में आपने किया, तो क्रोमा सेम उस पे किया, तो क्रोमा के लिए अलग से सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं? इसी में हो जाएगा डायरेक्ट, अभी करके बताया आपको, री एक्सप्लेन किया आपको। तो मैम फिर कैंसिल हमें क्रोमा की जरूरत क्या, ओपन शॉट में तो हो रहा है ना? क्वालिटी की बात होती है मैम, बाकी चीजों में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जी हमें हाई एंड काम करना है, या हमें अभी के लिए एक बेसिक से रिसोर्स बनाने के लिए मैंने आपको बेसिक के उससे बताया। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम आगे कुछ टूल्स है, वो टूल्स भी समझाइए ना थोड़े थोड़े। हैं कौन से टूल्स? आगे है कुछ मतलब मिलिंद सर, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई, एक बार आप क्लियरली थोड़ा पूछेंगे। हाँ, वहाँ पे कुछ टूल्स है आगे, कहाँ पे? जैसे कि वो चुंबक है, कैंची है, उसके आगे भी कुछ है, तो वो भी समझा कहाँ दीजिए ना, पे वो सर? टूल कैसे? मार्कर सर, वो एक था मार्कर टूल जो हमने शुरू में किया था कि मार्क करने के लिए टूल है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ।
एक मिनट शेयर स्क्रीन करने दीजिए, मैं दिखाती हूँ। ये जो है ये मार्कर था, जैसे मैंने अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैं एक मार्कर लगाती हूँ, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ना कर्सर के यहाँ पे मार्कर आ गया, कहीं पे मेरे को कोई मार्क लगाना है। ये सिंपली टाइमलाइन पे शिफ्ट करने के लिए है कि पीछे जाना है आगे जाना है, ये बस इतना ही है। ये यहाँ पे आ गए, जो भी आपके पॉइंट्स हैं उन पे मूव करने के लिए है, और ये टाइमलाइन को बीच में लाने के लिए। इसका एडिटिंग से कुछ नहीं है, केवल प्लेसमेंट के लिए ये दो तीन टूल्स थे। ठीक है सर। किसी ने पूछा था क्रोमा की जो है वो ग्रीन पे ही होता है या अदर कलर्स। सर एक्चुअली क्या है कि ग्रीन और पहले इससे ब्लू होता था, मतलब तो बहुत पहले ब्लू कलर पे क्रोमा किया जाता था, पर ब्लू हमारी बॉडी में भी अवेलेबल है कलर। तो क्या करते हैं, मान लीजिए हमारी आईज ब्लू है किसी की, तो वो उसको भी रिमूव कर देता था जब हम क्रोमा करते थे। तो इसीलिए कलर वो रखा जाता है जो हमारे किसी भी चीज में ना। अब आप क्रोमा कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड ग्रीन है, आपने खुद भी ग्रीन पहन लिया तो आप भी उड़ जाएंगे, तो आपको वो कलर रखना है। क्रोमा में हमेशा बोला जाता है बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट पहनिए, सो दैट क्रोमा आसानी से हो सके। ठीक है, तो इसीलिए अभी के लिए उसको ग्रीन रखा है, क्योंकि ग्रीन मिनिमम कलर है जो हमारे अंदर है, तो वो डायरेक्टली नहीं है। होगा जरूर हमारे इंडियन टोन में खास तौर पे वो कलर्स हैं, पर उतने ब्लैंकली अवेलेबल नहीं है। आईज का कलर ब्लू व्हाइट ग्रीन भी होता है, तो उस केस में हमें फिर केयरफुल रहना पड़ेगा। खुद की आवाज कैसे ऐड करें, तो सर इसमें ना ऑडियो को लेके नहीं है ज्यादा, ऑडियो को लेके मिनिमम फीचर्स हैं। तो आप ऑडियो के लिए आप ऑडेसिटी में या फोन में रिकॉर्ड करके उसकी जो बेसिक नॉइस रिमूव करके आप ऑडियो फाइल को यहाँ ले आइए और फिर ऐड कर दीजिए, या फिर जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पैरेलली अपनी ऑडियो भी थोड़ा शांत एरिया में खुद ही साथ साथ रिकॉर्ड कर लीजिए। इज देयर एनी लिमिट ऑफ साइज ऑफ वीडियो कैन बी एडिटेड। सर मैंने एक लास्ट वीडियो दो दो घंटे की एडिट की थी, उसके ज्यादा बड़ी मैंने ट्राई नहीं की है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 2 घंटे से ज्यादा आई डोंट थिंक हमें जरूरत पड़ेगी। 1.5-2 घंटे की थी, वो बच्चों का प्रोग्राम था तो हमने उसको मर्ज किया था केवल। पर हाँ एक चीज है कि अगर आपके सिस्टम की रैम कम है तो एडिट ही नहीं करेगा वो सिस्टम, इस सॉफ्टवेयर को इतना बड़ा एडिट करने नहीं देगा, क्योंकि हैवी हो जाता है उस रैम के लिए। वीडियो एडिटिंग थोड़ा हैवी टास्क है, तो आप अपनी रैम जरूर चेक करें, नहीं तो ये एप्लीकेशन बार बार क्लोज होती रहेगी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो। वीडियो एडिटर इसके लिए, तो सेम के लिए आपको ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी। इसके अलावा भी मेरे वीडियोज और भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वीडियो रिसोर्सेस करके ही कुछ है उसका टाइटल, तो आप वो आपको टीम दे देगी, तो आप उनसे ले सकते हैं और आप एडिटिंग का ये कुछ पार्ट तो सीख ही सकते हैं। मुकेश सर आप कुछ कह रहे थे झारखंड से। हाँ हेलो मैम। हाँ जी हाँ मैम, ये मैं बोल रहा था कि जैसे मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ तो हाफ में क्वेश्चन है और हाफ में वीडियो चलता रहे। हाँ मतलब क्वेश्चन आए और वीडियो चलता रहे, मतलब अच्छा स्क्रीन स्क्रीन के हाफ में। के हाफ में एक पोर्शन सर में। वही वाली चीज करनी होगी जैसे मैंने आपको वो दिखाई थी करके ना, लोगो वाला पॉइंट किया था, सेम चीज आपको करनी होगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे हमने यहाँ पे ये किया था ना, इनको छोटा बड़ा किया था और लोगों को छोटा किया था, तो आप वही चीज यहाँ पे करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, अगर पॉसिबल है तो। जैसे ये वीडियो है, तो मैंने अगर इस वीडियो के बिगनिंग से इसको यहां कर दिया, ये आधा कर दिया, अच्छा इसको इधर कर दिया, आपके पास ये जितना उसका एरिया है, यहाँ पे आप अपनी क्वेश्चन वाली स्क्रीन लगा लीजिए ऊपर की टाइटल पे, ऊपर वाले ट्रैक पे, तो आपकी सेम दोनों बराबर प्ले हो जाएंगी। ओके मैम, थैंक यू। और मैम अगर क्वेश्चंस चेंज हो रहे हों तो फिर हमें स्लाइड्स चेंज करनी होंगी। क्वेश्चंस आपकी तो स्लाइड चेंज आप एडिट में लगाएंगे ही ना, वही वाली स्लाइड्स जो आ रही है वो तो आप ऑफकोर्स अपना वही प्लेस करेंगे। बट मैम अगर हमने उसे लोगो के उसमें रख दिया, जैसे आपने कहा था कि अगर लोगो वाली ट्रैक पे हमने रख दिया तो वो सारी ही वीडियो में वो डिस्प्ले होता रहेगा। हाँ अगर आप पूरे में रखेंगे जितनी देर के लिए, ड्यूरेशन है वो, तो आप जितनी देर के लिए रखेंगे उतनी देर के लिए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन डाला, फिर आप स्क्रीन पे आए, समझाते समझाते आप क्वेश्चन को हटा भी सकते हैं।
वो तो सेम है, प्रोसेस वही रहेगा, वो आप उसके साथ थोड़ा खेलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। थैंक यू सो मच मैम। आई होप द टाइम इज ऑल्सो ओवर, मैं ऑलरेडी 5 मिनट आगे जा चुकी हूँ, तो पर मैम बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से सिखाया, इजिएस्ट वे में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया आपने। थैंक यू सो मच, सच अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू मैम। हिना मैम आप साइलेंट रहे, आपने ट्राई किया? मैम आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसको ट्राई करके फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप पैरेलली अभी ट्राई कर सकते थे, हमने इतना टाइम दिया आपको। नो आई डिडंट ट्राई इट, आई श्योरली ट्राई एंड गेट बैक टू यू। ओके हेलो मैम, यस संजय सर बताइए। छत्तीसगढ़ से हूँ मैम। हाँ जी, मैं पैरेलल आपके साथ काम ही कर रहा था मैम। कौन से ऐप पे? ओपन सॉर्ट, ओपन सॉर्ट जो आप बताए ना उसी पे ही मैं काम कर रहा हूँ मैम। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उल्लास मेला आयोजित हुआ था, उसी का 2-3 क्लिप मैंने रिसीव किया है। बट थोड़ा सा एक मिस हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट डालने में, ट्रांजेक्शन ट्रांजिशन की प्रॉब्लम हो रही है। अरे जी जी एक बार मेरे को रिपीट कर देंगे क्या? अच्छा बाप एक सेकेंड, मैं आपको ट्रांजिशन रे, दिखा देती हूँ। क्या जी जी मैम तो ट्रांजिशन को करने के दो तरीके हैं सर, एक तो है कि एक के जी ऊपर आप प्लेस करेंगे तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, वो वेल प्लेस्ड जी ट्रांजिशन वो अपने आप ही देता है। मैं इसको पहले ठीक कर लूं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे एक ट्रांजिशन लगाना है, ये टाइटल था जी जी और इसके बाद ये सीधा वीडियो शुरू हो गया, तो उसके लिए मैं यहाँ ट्रांजिशन पे जाऊंगी। तो दो तरीके हैं, एक तो ये कि मैं इसको ही, एक सेकेंड, ये वाले जो टाइटल था इसी को थोड़ा लंबा करती हूँ ओके और यहाँ पे नीचे लाती हूँ, वीडियो के ऊपर प्लेस कर दिया, तो ये आपने ऑटोमेटिकली इसने एक ट्रांजिशन ले ली। ठीक है, इसमें तो आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, तो देखिए आपने ट्रांजिशन आई ना एक, अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं मुझे ये ट्रांजिशन नहीं चाहिए, मैं नई नई लगाना चाहता जी हूँ, तो आप सिंपली यहाँ जी ट्रांजिशंस वाले बॉक्स पे जाइए, कोई भी ट्रांजिशन जो जी आपको अच्छी लगे, ये सर्कल वाली है फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको लेके यहाँ पे आई और मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, नहीं तो बहुत बड़ी है ये, और फिर हम देखते हैं। इस तरह से आप उसको नई नई ट्रांजिशन को ट्राई कर सकते हैं कि कौन सी अच्छी लग रही है, आगे पीछे करके देख सकते हैं कहाँ बेटर सूट हो रही है, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है सर, जी ओके ओके देन, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग वेरी सच अ ग्रेट ऑडियंस टू मी। हाँ सर चंद्रा सर, आप कुछ पूछ रहे हैं, हैंड रेस किया आपने। हाँ हाँ नमस्ते जी। जी नमस्ते सर। हाँ मैं पूछ रहा था YouTube पे इसके कोई आपके जो चैनल है उसका लिंक वगैरह कोई मेरा चैनल YouTube पे। भी एक्चुअली वो एनसीईआरटी के चैनल पे ही मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो मैं आलोक जी को भेज दूंगी, वो आपको ये लिंक चैट में डाल देंगे फिर। ठीक है, अच्छा हाँ मैडम, जी सर। अगर हम लोग कहीं अटक गए तो आपको हम लोग कांटेक्ट कैसे करेंगे? आप आलोक जी से बात कर लीजिएगा, वो कांटेक्ट करवा देंगे। ओके ठीक है, डन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर अ डिटेल सेशन। काफी क्वेश्चंस थे, काफी पेशेंसली आपने आंसर किया, एक एक टूल की एक एक बारीकियां बताई सबको, काफी लोगों ने इसको